time management and homekeeping tips for working moms, and this is going to be a series. Series is completely dedicated to the working moms and working women. वो लोग जो शाम से लेकर रात तक completely कोई ना कोई ड्यूटी में इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा गिल्ट होता है कि वो कहीं 100% नहीं दे पाए. कभी वो ये गिल्ट फील करते हैं दैट दे आर नॉट द बेस्ट मॉम्स, तो कभी ये फील करते हैं दैट दे आर नॉट ग्रेट होम कीपर्स, और कभी कभी तो उन्हें लगता है कि वो ऑफिस में भी अपना 100% नहीं दे पा रहे. तो आइए बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड होम कीपिंग टिप्स फॉर वर्किंग वुमेन और वर्किंग मॉम के बारे में. अब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शुरू करने से पहले या फाइंड आउट करने से पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या समझना बहुत जरूरी है. तो आखिर क्या प्रॉब्लम्स होती है एक वर्किंग मॉम की या एक वर्किंग वुमेन की. आई हैव बीन देयर एंड ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ के सबसे टफ ईयर्स वही थे व्हेन आई बिकेम अ मॉम एंड आई वाज स्टिल वर्किंग. इट वॉज नॉट ईजी एंड आई नो इट इज नॉट ईजी फॉर अ लॉट ऑफ यू राइट देयर, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से और थोड़ी बहुत जो बुक्स मैंने पढ़ी है उनकी हेल्प से कुछ टिप्स तैयार किए हैं, कुछ पॉइंट्स समझे हैं जो कि हम सब में कॉमन होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हमें स्ट्रेस दे रहे होते हैं या जिनके बारे में हम वरिड हो रहे होते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ. तो मैंने वर्किंग वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या परेशानियां होती हैं उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो सबसे बड़ा क्राइसिस या स्ट्रेस जो वो फील कर रहे होते हैं वो होता है इमोशनल क्राइसिस या इमोशनल गिल्ट. अब ये किस तरह का इमोशनल गिल्ट होता है? गिल्ट कि वो अपने बच्चों को वो 100% केयर नहीं दे पा रहे हैं जो शायद एक घर पे रहने वाली मॉम दे पाती है. गिल्ट कि वो अपने रिलेशनशिप को या बाकी लोगों को उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे जितना उन्हें देना चाहिए. गिल्ट कि वो परफेक्ट होम मेकर्स नहीं है, कि वो परफेक्ट खाना नहीं बना पाते या वो लैविश डिनर नहीं बना पाते या उनका घर परफेक्टली क्लीन नहीं होता. ये गिल्ट मेरी लाइफ में मेरे साथ कई सालों तक रहा है एंड ट्रस्ट मी, इस गिल्ट को एंड करने के लिए कोई ऑलमोस्ट अ होम मेकर ओनली बिकॉज मेरा वर्क जो है वो बहुत ज्यादा यू नो हेक्टिक नहीं है जैसे कि ऑफिस वर्क होता है. सो कीपिंग माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन, कई बार ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैंने अपनी बेटी को स्क्रीन टाइम दे रखा है एंड आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो हियर. इन द सिमिलर वे जब आप ऑफिस होते हैं तो आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते. इसके अलावा एक बच्चे की इमोशनल नीड्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि घर पे रहते हुए भी वी गेट सो इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ क्रैंकी बेबी फॉर द एंटायर डे कि हमें भी टाइम चाहिए होता है अवे फ्रॉम देम. सो इट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट अगर आप अपना वक्त थोड़ा कम दे पा रहे हैं अपने बच्चे को. बस आपको इंश्योर ये करना है कि आप जो भी वक्त दे रहे हैं उसमें आप अपनी बाकी सारी कामों के लिए डोर्स बंद रखें. फील फ्री टू से नो, फील फ्री टू से नो टू योर ऑफिस वर्क, फील फ्री टू से नो टू होम चोर्स. मैंने कई बार देखा है कि हम ऑफिस के वर्क को तो फिर भी शट डाउन करते हैं लेकिन कई बार हम अपने घर के लोगों को लाउडली ये नहीं बता पाते कि मैं ऑफिस से आई हूँ एंड आई ऑल्सो हैव रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माई डॉटर.
The second part of the video will be posted tomorrow. I hope you're enjoying watching the video. आप कल का एपिसोड ज़रूर चेक करें. कल के वीडियो में आपको रिमेनिंग पार्ट अपलोड करूंगी और इस तरह से एक कंप्लीट सीरीज अपलोड की जाएगी. I'm happy in your company with no emotion.